हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो यार मैं हूँ ओके पाजी और आज हम बात करने वाले हैं यूएफसी के दो लेजेंडरी फाइटर्स के बारे में। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर और जॉन जोन्स के बारे में। और अगर एक मैच इनके अंदर होता है और ये दोनों ही अपने प्राइम के अंदर हों तो कौन इनमें से जीत सकता है। तो भाई दोनों के ही पास साइज एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा है। जॉन जोन्स हमारे लाइट हैवी वेट हैं और ब्रॉक लेसनर प्योर हैवी वेट हैं। और ब्रॉक लेसनर का यूएफसी रिकॉर्ड भाई कहता है कि उनकी 5 विंस है, 3 लॉसेज हैं और 1 नो कॉन्टेस्ट है। और वहीं पर जॉन जोन्स का रिकॉर्ड है भाई 27 विंस 1 लॉस। और आपको पता है कि वो 1 लॉस कैसे हुआ और 1 नो कॉन्टेस्ट। और हाइट की बात की जाए तो ब्रॉक लेसनर की हाइट है भाई 6 फुट 3 इंच और उनका वेट है 265 LPS। तो इसी से आप उनका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई कितना ही ह्यूज साइज़ होगा अगर वो आपके पास खड़े हो जाएं। और जॉन जोन्स की हाइट है भाई 6 फुट 4 इंच और उनका वेट है भाई 248 LPS। और ये जो वेट है जॉन जोन्स का, ये फाइट का वेट इन है, मतलब जो वो फाइट करते हैं इस वेट के अंदर करते हैं। तो अगर हम बात करें जॉन जोन्स की एबिलिटी की, तो उनकी स्ट्राइकिंग और इलीट रेसलिंग उनको सब रेसलर से, सब एमएमए फाइटर से थोड़ी यूनिक बनाती है, क्योंकि उनके पास एक ऑर्थोडॉक्स है और उनके स्टाइल बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं वर्सेटाइल है। उनकी स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, उनकी ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी है। वहीं हम बात ब्रॉक लेसनर की करते हैं, तो ब्रॉक लेसनर के पास भाई प्योर पावर है और उनके पास एक रेसलिंग का जो बैकग्राउंड है वो है। तो ब्रॉक लेसनर को वो एमएमए के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ख़ास तौर से ब्रॉक लेसनर की जो पावर है उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज साबित हो जाती है। तो अगर इन दोनों में से एक मैच हुआ तो भाई क्या आउटकम होगा। तो अगर हम स्ट्राइकिंग की बात करें तो भाई स्ट्राइकिंग के अंदर जो है जॉन जोन्स एक लेवल ऊपर हैं ब्रॉक लेसनर से, ठीक है। और ये बात हम सभी को पता है और हम सभी ने देखा हुआ है कि जॉन जोन्स की जो एल्बो का डैमेज है, जो वो ब्रूटल पंचिस मारते हैं, वो हर एमएमए फाइटर नहीं मार सकता, वो जॉन जोन्स ही कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रैपलिंग की, तो ग्रैपलिंग में भाई जो है जॉन जोन्स जो हैं वो सुपीरियर हैं ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग होना एक अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन सुपीरियर होना उससे भी अलग होता है। सुपीरियर होना एक अलग बात होती है। सुपीरियर होना मतलब कि भाई आप उस रेसलिंग में, मतलब उन प्लेसिस से आउटकम कर जाएंगे जिसमें बाकी लोग सबमिट करवा जाते हैं अपने आप को। तो जॉन जोन्स के अंदर भाई वो एबिलिटी है, आपने उनके मैचेस में देखा ही होगा। और जब वो एक मैच में अपने आर्म होल्ड में फंस गए थे तो भाई उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। अगर उस स्थान पे ब्रॉक लेसनर होते तो शायद हार मान जाते, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें भाई पावर और ड्यूरेबिलिटी की, तो पावर की बात, ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलीट है। अगर ब्रॉक लेसनर का एक करेक्ट पंच जॉन जोन्स को पड़ जाए तो भाई जॉन जोन्स जो है वो नॉकडाउन हो सकते हैं। लेकिन जॉन जोन्स के पास जो एडवांटेज है वो है उनकी स्ट्रॉन्ग कार्डियो का। तो जॉन जोन्स के पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्डियो है कि भाई आप उम्मीद सोच भी नहीं सकते। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा 5 राउंड्स की फ़ाइट करी हुई है अपने करियर के अंदर। वहीं ब्रॉक लेसनर ने 5 राउंड्स की फ़ाइट अभी तक नहीं करी अपने यूएफसी के करियर के अंदर। सो अगर ये फ़ाइट लॉन्ग टर्म में चलती है तो जी हाँ, मैं आपको लिख के देख सकता हूँ कि जॉन जोन्स इस फाइट को जीत जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल इन दोनों की फ़ाइट की बात करें तो ब्रॉक लेसनर के पास सिर्फ एक चांस होगा अपना एक पावर पंच लगाने का। लेकिन मैं जानता हूँ जॉन जोन्स को, जैसी उनकी एबिलिटी है, जैसा उनका डिफेंस है, मुझे नहीं लगता कि भाई जॉन जोन्स वो मौका ब्रॉक को कभी देंगे। और वो अपनी लेग किक्स, एल्बोस और अपने कार्डियो से ही उनको इतना ज़्यादा डैमेज कर देंगे। कार्डियो इन द मीन्स कि वो राउंड बाय राउंड फाइट करते जाएंगे और ब्रॉक लेसनर वहीं फटीक होते जाएंगे। अगर ये फाइट, मैं कहता हूँ, एक राउंड में ख़त्म करनी हो तो उसमें मैं ब्रॉक लेसनर को एडवांटेज दूंगा। लेकिन अगर ये फाइट 2 राउंड से ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली
जॉन जोन्स इस फाइट को जीत जाएंगे। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों में फाइट हो भी गई तो जॉन जोन्स इस फाइट को जीत जाएंगे। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए। आप और कौन सा मैच अपना देखना चाहते हैं या कंपेयर करवाना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं दोनों को रिकॉर्ड और सब चीज़ें कंबाइन करके कंपेयर करूंगा और आपको आउटकम दूंगा। थैंक यू।